हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूपी बोर्ड क्लास टेंथ इंग्लिश, इंग्लिश में जो आपका सप्लीमेंट्री रीडर बुक है उसमें दो चैप्टर हैं और आज की इस वीडियो में दोनों चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 10 बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है वो लेकर आए हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है सप्लीमेंट्री रीडर बुक का, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, इस चैप्टर से चार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम। जो चैप्टर है आपका दूसरा, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, इस चैप्टर से भी चार क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आप देख सकते हैं 10 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इतने बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है और मैं इसको बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूं। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज डेली मिल सके। और इन सारे क्वेश्चन का पीडीएफ फ्री में पाना चाहते हैं तो अंत तक भी बने रहेंगे तो मैं बताऊंगा कि आपको कहां से ये मिलेगा बहुत ही सिंपल तरीके से और हर एक सब्जेक्ट का आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए अंत तक बने रहिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसमें मतलब कि क्वेश्चन दिया होगा और ऑप्शन भी दिया होगा, उसी में से जो ऑप्शन सही है उसको यहाँ पे फिल करना होता है। तो चलिए देखते हैं, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस इस चैप्टर का हिंदी में नाम है आविष्कारक जिसने अपना वादा किया। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, इस चैप्टर का, एडिशन वाज फंड ऑफ, यानी कि जो क्वेश्चन है 2020, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 इतने बड़े क्वेश्चन पूछ चुका है और 2021 या 22 में जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि एडिशन वाज फंड ऑफ, एडिशन शौकीन था किस चीज़ का, तो ऑप्शन दिया है यहाँ पर टेलिंग स्टोरीज, वी नंबर लिखा है प्लेइंग गेम्स, और सी नंबर लिखा है डूइंग एक्सपेरिमेंट, और डी नंबर लिखा है फ्लाइंग काइट्स। यानी कह रहा है कि ए नंबर की टेलिंग स्टोरीज यानी कहानियाँ सुनने का, और बी नंबर है प्लेइंग गेम्स यानी कि खेल खेलने का, और डूइंग एक्सपेरिमेंट प्रयोग करने का, और डी नंबर जो है पतंग उड़ाने का यानी कि फ्लाइंग काइट। तो देखिए एडिशन फंड ऑफ मतलब कि एडिशन किस चीज़ का शौकीन था, तो जो आप देख रहे हैं यहाँ पर डूइंग एक्सपेरिमेंट यानी कि डी नंबर सी नंबर डूइंग एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग करने का एडिशन जो था बहुत ही शौकीन था। अब चलते हैं इसी तरीके से दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन लिखा है कि व्हेन एडिशन ट्राइड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन हिज सर्वेंट गर्ल, और ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि 2020 में, 19 में, 18 में, 17 में, 16, 15, 13 इतने बारे क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। व्हेन एडिशन ट्राइड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन हिज सर्वेंट गर्ल, यानी कह रहा है इसमें जब एडिशन अपने घर की नौकरानी लड़की पर प्रयोग किया तब क्या हुआ, तो पहला नंबर ऑप्शन है कि सी बिगेन टू फ्लाइंग, वह उड़ने लगी यानी कि वह उड़ना शुरू कर दी, सी फेल डाउन ऑन द ग्राउंड, वह नीचे जमीन पर गिर गई, और तीसरा नंबर लिखा है सी फेल इल, वह बीमार पड़ गई, और डी नंबर लिखा है सी स्टार्टेड रनिंग, वह दौड़ना शुरू किया। तो देखिए यहाँ पर जो जब एडिशन ने अपने घर की नौकरानी लड़की पर वह अपना एक्सपेरिमेंट किया तो वह क्या होगी, सी फेल इल, वह बीमार पड़ गई, यानी कि जो सी नंबर ऑप्शन है सही है। चलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर लिखा है इसमें एडिशन डाइड ऑन, मतलब एडिशन की मृत्यु कब हो गई, यहाँ पर बताना है। ऑप्शन देखिए, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा है, 17 में, 16 में, 14 में, यानी कि दो दो साल गैप लगाकर आ रहा है, 14 के बाद 16 में, 16 के बाद यहाँ 17 में आ गया, और 17 के बाद 19 में है, 19 के बाद 20 में नहीं है बट 21 में आने का चांस है, आप देख सकते हैं। एडिशन डाइड ऑन, एडिशन की मृत्यु मतलब हो गई कब हुई, ऑप्शन ए नंबर दिया है 18 अक्टूबर 1931, 13 सितंबर 1929, और 14 सितंबर 1886, और डी नंबर है 2 नवंबर 1930। तो आप देख सकते हैं जो कि एडिशन का जब मृत्यु हुआ कब हुआ था, तो 18 यानी कि 18 अक्टूबर 1931 में, यानी कि 18 अक्टूबर 1931, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ये है सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
चार नंबर क्वेश्चन लिखा है कि द सिल्वर जुबिल ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वाज सेलिब्रेटेड इन, देखिए क्वेश्चन 2020 और 16 में पूछा गया है, ठीक है। द सिल्वर जुबिल ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वाज सेलिब्रेटेड इन किस सन में मनाया, यानी कह रहा है क्वेश्चन इसमें कि देखिए विद्युत बल्ब की रजत जयंती कब मनाई गई थी, तो यहाँ पर सन दिया है 1878, यानी कि 1878, 1880, 1882 और 1929। तो देखिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन है यानी कि डी नंबर, यानी कि विद्युत बल्ब की रजत जयंती सन 1929 ईस्वी में मनाई गई थी। तो इस चैप्टर से यानी कि जो देख रहे हैं आप द इन्वेंट Who kept his promise, इस चैप्टर से चार क्वेश्चन थे काफी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। और लास्ट तक बने रहिए, इसका पीडीएफ में बताऊंगा, लास्ट तक अंत तक देखते रहिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी सारे चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता सकूं। देखिए सेकंड चैप्टर है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, यानी कि आप कह सकते हैं कि विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन के, इस चैप्टर से मल्टीपल क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं 5 नंबर इस चैप्टर का क्वेश्चन। देखिए द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज फाउंड इन, और ये क्वेश्चन 2020 में, 19 में, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 11 इतने बार आया है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हैं। करेक्ट, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज फाउंड इन, क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रमादित्य की न्याय की कुर्सी प्राप्त हुई थी, तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया है इंदौर में, बी नंबर लिखा है दिल्ली में, और सी नंबर लिखा है उज्जैन में, और डी नंबर लिखा है भोपाल में। तो देखिए विक्रमादित्य के न्याय की जो कुर्सी प्राप्त हुई थी कहाँ पे, तो देख सकते हैं जो सी नंबर ऑप्शन है उज्जैन, यानी कि सही ऑप्शन उज्जैन होगा, ठीक है आप जानते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका सी 6 नंबर लिखा है कि द एंजल्स टूक द जजमेंट सीट टू, और ये क्वेश्चन 2020, 19, 17, 16, 15, 14, 13, 11 में पूछ चुका है। द एंजल्स टूक द जजमेंट सीट टू, यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देवदूत उस न्याय के सिंहासन मतलब को ले गए, मतलब अब यहाँ पर कहाँ ले गए, ऑप्शन दिया है द स्काई, अनदर किंगडम, द सी, द हेल, यानी कि द स्काई आकाश में, अनदर किंगडम दूसरे राज्य में, द सी समुद्र में, द हेल मतलब द हेल, यानी कह रहा है कि द देवदूत जो था न्याय के सिंहासन को कहाँ ले गए, तो देवदूत जो थे न्याय के सिंहासन को अपने सिर पर मतलब लेकर कहाँ ले गए, द स्काई, यानी कि आकाश में, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। और चलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज मेड ऑफ, यानी कि द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज मेड ऑफ मतलब किस चीज का बना हुआ था, विक्रमादित्य का न्याय का सिंहासन बना हुआ था किस चीज का, ये क्वेश्चन 2020, 19, 18, 16, 14, 2013 में पूछ चुका है। देखिए ऑप्शन ए है गोल्ड का मतलब सोने का, सी जो बी है सिल्वर का यानी कि चांदी का, और सी नंबर लिखा है आयरन का लोहे का, और डी जो लिखा है स्टोन यानी पत्थर का। तो द विक्रमादित्य का जो सिंहासन था न्याय का वो किस चीज का बना था, तो पत्थर का यानी कि स्टोन का, ठीक है ऑप्शन डी है जो सही हो जाएगा। अब चलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8 नंबर। देखिए द किंग कुड नॉट सीट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य बिकॉज, और ये क्वेश्चन 2020, 19, 18, 17, 16, 14, 12 में पूछ चुका है, कह रहे कि द किंग कुड नॉट सीट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य बिकॉज, कह रहा है इसमें कि वह राजा विक्रमादित्य के न्याय के सीट पर नहीं बैठ सका था क्योंकि, यानी बिकॉज मतलब पूछा है क्योंकि, तो ऑप्शन ही वाज अफेयर ऑफ द, यहाँ पर डॉट डॉट कर दिया हूँ मतलब पूरा नहीं लिखा हूँ, जो ऑप्शन है सही वही बताऊंगा, ठीक है। और दूसरा लिखा है एवरी डे ही वाज पुश्ड, और थर्ड नंबर सी ही थॉट हिमसेल्फ टू बी अनवर्थी ऑफ इट, और चौथा लिखा है ही वांटेड टू बी ए जस्ट किंग, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। तो विक्रमादित्य कुड नॉट सीट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य बिकॉज, यानी कि वह राजा विक्रमादित्य के सीट न्याय के सीट पर नहीं बैठ सका था क्योंकि वह ही थॉट हिमसेल्फ टू बी अनवर्थी ऑफ इट, क्योंकि वह अपने आप को इसका अयोग्य समझता था, मतलब योग्य नहीं समझता था, ठीक है।
इसलिए जो ऑप्शन सी है करेक्ट हो जाएगा। और इन सारे क्वेश्चन का जो भी इसमें वीडियो में पढ़े हैं, इसका अगर PDF चाहते हैं फ्री में, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाइए, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए अलग है, वहाँ पर आपको फ्री में PDF प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आपका इसका PDF चाहते हैं तो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और भी लाते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।